नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इस क्लास में इकोलॉजिकल रूल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग डिफरेंट तरह के इकोलॉजिकल रूल दिए हैं जो कि इकोलॉजी में ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और कुछ के पीछे थोड़ा लॉजिक भी है। तो उस रूल को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से जो रूल है इकोलॉजी में जो फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीएसआर का एग्जामिनेशन नेट का हो या नीट का हो या अदर कोई ईजी का एग्जाम हो। निश्चित इससे इकोलॉजिकल रूल से एक आध दो सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग एलेन रूल को समझते हैं कि एलेन रूल कहता क्या है। तो एलेन रूल कहता क्या है कि अगर कोई एनिमल जो है अगर कोल्ड क्लाइमेट में रहता है तो आप पाएंगे कि उनके लिम्स, ईयर और जो अदर अपेंडेजेस हैं वो क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। किसके कंपेयर में, अगर सेम स्पीसीज अगर वार्मर क्लाइमेट में रहता है तो उनके अपेंडेजेस, लिम्ब और ईयर्स बड़े रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भालू है जो कि ठंडा प्रदेश में रहने वाला भालू है और इसमें पाएंगे कि इसके जो कान हैं छोटे रहते हैं और जो इसके पैर जो ये सब हैं वो सब कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं। किसके कंपेयर में कि अगर जो भालू वार्मर क्लाइमेट में पाए जाते हैं तो उनके कान भी बड़े होते हैं और अदर जो अपेंडेजेस होते हैं, लिम्स होते हैं, इसको देख रहे हैं लिम्स वो जो क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। तो इसको हम लोग एलेन रूल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो रूल है बर्गमैन रूल, काफी फ्रिक्वेंटली डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हालांकि सीएसआईआर में भी बर्गमैन रूल से दो बार पूछा गया है। तो बर्गमैन रूल कहता क्या है कि बॉडी साइज इन लार्ज इन कोल्ड क्लाइमेट, अगर कोई एनिमल है और वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है तो आप पाएंगे कि उनके बॉडी साइजेज जो होंगे क्या होंगे, क्या बड़े होंगे कंपेयर टू क्या, वार्म क्लाइमेट में रहने वाले जो एनिमल्स होंगे उनके बॉडी साइज जो रहते हैं स्मॉल रहते हैं। तो इसको बात को ध्यान रखना है कि लार्जर बॉडी साइज है स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसका कारण क्या है कि लार्जर बॉडी साइज के साथ क्या है, सरफेस एरिया क्या है, स्मॉल है। तो अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहेगा और उसका बॉडी साइज का सरफेस एरिया जो रहेगा कम रहेगा तो आपका जो हीट लॉस होगा वो कम होगा और सर्वाइवर के लिए अच्छी बात है। इनके पीछे यही लॉजिक था। तो उन्होंने बताया क्या कि बॉडी साइज जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते बड़े रहेंगे, क्यों, क्योंकि लार्जर बॉडी साइज और सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो ये क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, तो इससे हीट लॉस कम होगा। तो बर्गमैन रूल को याद रखना है अच्छी तरीके से, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं कोप रूल, क्या कहते हैं कोप रूल। कोप रूल कहता क्या है कि अगर कोई एनिमल इवॉल्व हो रहा है समय के साथ, इवोल्यूशन हो रहा है समय के साथ, उसमें आप पाएंगे कि उनका जो बॉडी साइज है वो समय के साथ बढ़ते जाता है। मान लीजिए पहले एनिमल था, इवॉल्व होके एनिमल बढ़ा, तो देखेंगे किस एनिमल में इनका बॉडी साइज बढ़ गया है। इनको हम लोग कोप रूल के नाम से जानते हैं और ये भी सीएसआईआर में दो तीन बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं डोलो ला क्या कहता है। ये ला कहता है ला ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, नाम से ही पता चलता है इरिवर्सिबल, मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव आ गया, पहले से कुछ बदलाव आ गया, तो बदलाव आने के बाद जिस परिस्थिति में बदलाव आया है वो पहले वाली स्थिति में लौट नहीं सकता है। और उसको दूसरी भाषा में बोले तो एक ऑर्गेनिज्म में काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अगर एक बार लॉस कर गया तो वो फिर पहले वाले कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में कभी रिटर्न नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, मतलब एक बार जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर या कोई कैरेक्टर लॉस हो गया तो वो फिर वो कैरेक्टर को कभी एक्वायर नहीं करेगा। आगे हम लोग देखते हैं मोटू किमुरा, काफी महत्वपूर्ण है कि मोटू किमुरा ने कौन सा रूल दिया। उन्होंने बताया न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन। हमने न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसको समझ सकते हैं।
और ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल या कंपटीशन में भी डिफरेंट तरह के सवाल इससे पूछ लिए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या है, इस तरह का कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, इससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं मैंने वहाँ काफी डिटेल से वर्णन किया है। तो यहाँ पर बस इतना ही समझते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि कोई भी अगर इवोल्यूशन होता है मॉलिकुलर लेवल पर, मतलब डीएनए के लेवल पर कोई चेंजेज आता है, तो वैसे ही चेंजेज मॉलिकुलर इवोल्यूशन में प्ले कर पाते हैं जिन जो सेलेक्टिवली न्यूट्रल हो, मतलब डीएनए लेवल पर ऐसा चेंजेज हुआ कि एमिनो एसिड का उसका कोई चेंज नहीं हुआ, तो वैसे ही चेंजेज कहने का क्या मतलब, क्या कि मॉलिकुलर इवोल्यूशन में क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे। तो उन्होंने न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन दिया, और डिटेल के लिए आप जेके बायोलॉजी का न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिकुलर इवोल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा जो साइंटिस्ट थे सीवेल राइट, इन्होंने दिया जेनेटिक ड्रिप, इसको एलिलिक ड्रिप या सीवेल राइट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहा है कोई पॉपुलेशन में, तो क्यों हो रहा है, रैंडम सैंपलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, रैंडम सैंपलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म के चलते जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि रैंडम सैंपलिंग ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट के चलते है ना आपका क्या हो रहा है कि एलील की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में बहुत सारे एलील रहते हैं और वहां से कुछ एलील दूसरे जगह चले गए हैं, तो क्या होगा कि एलील क्या हो जाएगा वहां पर कम हो जाएगा, जो होमोजाइगस की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एलील की फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, सीवेल राइट ने दिया था। अगला जो साइंटिस्ट थे हैमिल्टन रूल, काफी महत्वपूर्ण है, और ये हमने इसका अलग से वीडियो भी बनाया है। और इसे क्या पूछे जाते हैं, इसे पूछा जाता है कि डिफरेंट तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस कंडीशन में अल्टरिज्म का जो एक्ट होगा, अल्टरिज्म मतलब सेल्फिशनेस, आप किसी को नेचुरल सिलेक्शन में बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टोटल बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, है ना। और टोटल बेनिफिट में क्या होगा, आर हो गया जीन ऑफ शेयरनेस, है ना, और बी क्या हो गया, बेनिफिट, दोनों को कर क्रॉस कर देंगे, गुना कर देंगे तो टोटल बेनिफिट निकलेगा। और ये हमेशा जो होना चाहिए कॉस्ट से कम होना चाहिए, कॉस्ट क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए, और बेनिफिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और बी बराबर बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट, और आर बराबर रिलेटेड जीन शेयरनेस, और सी बराबर कॉस्ट ऑफ अल्टरिज। आप इसको डिटेल से जेके बायोलॉजी क्लासेस के हैमिल्टन रूल के नामक वीडियो को आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं, जैसे इकोलॉजिकल रूल जो काफी सीएसआर में महत्वपूर्ण है, एलन रूल, बर्गमैन रूल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एलन रूल भी काफी महत्वपूर्ण है, मोटो किमुरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हैमिल्टन रूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सीवेल राइट भी महत्वपूर्ण है, तो अगर आप इस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लासेस के चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। और वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ये हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।